जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी कंटेनर से रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम तो 3-4 कंटेनमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ कंटेनमेंट्स में नई भर्तियाँ निकली हुई, यानी कुछ और भी पोस्ट निकली हुई जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से खुशी की बात हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। और कुछ कंटेनमेंट्स में अपना पोस्टपोन डेट आ गया है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ था, लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी थी पहले से कि लगभग सारे कंटेनमेंट्स में जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं तो उनका पेपर पोस्टपोन होना पहले से ही तय था, ठीक है। तो धीरे धीरे अब एक करके सबका पोस्टपोन हो रहा है, ठीक है। तो दो तीन कंटेनमेंट का आज भी पोस्टपोनमेंट हुआ है, ठीक है। हालांकि होली चल रही थी इसलिए मैं आपको सही से नोटिफाई नहीं कर पाया। हालांकि मैंने आपको कल 7-8 कंटेनमेंट का नोटिफिकेशन दे दिया था, ठीक है। तो कल थोड़ा सा बिजी था इसलिए आज सोच रहा हूँ कि उसी वीडियो को कंटिन्यू कर लिया जाए, ठीक है। तो आज लगभग 4 कंटेनमेंट के बारे में न्यूज है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी लें, ठीक है। और जो कंटेनमेंट में नई भर्ती निकली है, ठीक है, तो आप उसमें आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस कंटेनमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस कंटेनमेंट में जो है आपका नया पोस्ट निकला है, नई भर्ती निकली है, देख सकते हैं। ये फिरोजपुर कंटेनमेंट का है, ठीक है। और इसमें हालांकि पहले से बहुत सारे पोस्ट निकले हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में आपका फायरमैन के लिए पोस्ट निकला है, ठीक है। दो पोस्ट है, ये आपको 7 मार्च को रिलीज किया गया, ठीक है। 7 मार्च को रिलीज किया गया, तो आप अपीस के फिरोजपुर कंटेनमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नया पोस्ट निकला हुआ है, हालांकि इस पर और सभी बहुत सारे पोस्ट निकले, लेकिन ये 7 मार्च पर अपनी जल्दी में निकला हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगली जो सूचना रहने वाली है, ठीक है, तो वो पोस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी है और उसमें इन्होंने अपना डेट भी फिक्स कर दिया कि किस डेट पे वो पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें द लास्ट सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन वाज 25 फरवरी 2023 इन्होंने लिखा था, लेकिन इन्होंने बढ़ा करके जो कि पंप अटेंडेंट के लिए था, ठीक है, उसको 15 मार्च 2023 तक कर दिया, ठीक है। और इसका अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो हम इसको भी नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए, ये आपका किस कंटेनमेंट का है, पचमरही, ठीक है, पचमरही कंटेनमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला न्यूज क्या है। तो अगला जो नोटिफिकेशन रहने वाला है वो आपका अलाहाबाद कंटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अपना पेपर डेट जो है अभी इसको, हालांकि इन्होंने पेपर डेट को बढ़ा करके ही लिखा था इन्होंने, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट टीचर और इसके लिए, ठीक है। तो 19 मार्च और 26 मार्च करके इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसके भी पेपर के डेट बढ़ने की आशंका है, ठीक है। और जैसे ही अगर कोई डेट बढ़ती है तो आपको सूचना जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला कंटेनमेंट कौन सा। तो अगला जो कंटेनमेंट आपका है जालंधर कंटेनमेंट, ठीक है। तो इसका तो मुझे कल ही बता देना चाहिए था, लेकिन कल थोड़ा सा बिजी था और शायद ध्यान भी नहीं रहा, ठीक है, तो ये कंटेनमेंट छूट गया था, ठीक है। तो इसका भी आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है और जितने भी बच्चों का क्या हुआ है, पेपर पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ऑफिशियल साइट पे, हालांकि मैंने 2-3 बच्चों को बताया भी था कमेंट में कि कैसे आपको चेक करना है, ठीक है, इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता केवल आप यहीं पे आकर देखें, आप खुद से भी जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो मैं तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहता हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी अपडेट्स हैं उसको आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुँचा जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।